सो हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू डे एंड न्यू वीडियो। हाउ आर यू डूइंग? कैंता जो सब माय मैन, होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। सो इट्स द पार्ट ऑफ अल्टरनेटिव वीडियोस, और ये जो पार्ट है आज से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि एक दिन छोड़ के ऐसे ब्लॉग आएगा। सो यह ये तो ऐसे ही रहने वाला है। तो कम्प्लीटली गोइंग टूवर्ड्स द टॉपिक, और जो टॉपिक रहने वाला है, इज़ दिस द राइट टाइम टू गो फॉर ए स्टार्टअप और बिल्ड योर कैरियर? सो भाई, बहुत जन मैंने अपने दोस्तों को देखा हुआ है कि मतलब कुछ भी कहीं पर खर्चा कर रहे हैं और कुछ भी उड़ा रहे हैं। सो पोटेंशियली ये वीडियो उनके ऊपर रहने वाला है कि भाई क्या करना चाहिए आगे, और कैसे क्या लाइफ को लेके जाना चाहिए, और एसेट बिल्ड नहीं करना है अपने को, डेप्रिसिएटिंग एसेट, हम लोग को अप्रिसिएटिंग एसेट ही बिल्ड करना है। ज़्यादा लाइबिलिटीज लेके भी कुछ फ़ायदा नहीं है। सो या, ये वीडियो का टॉपिक इसी के ऊपर रहने वाला है। सो लेट्स हॉप इन टू द टॉपिक। मैंने देखा है बहुत सारे मेरे दोस्तों की, क्योंकि कहीं भी अंधा पैसा खर्चा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कहीं भी घूम रहे हैं। जब भाई देखो, अपने पैर पे खड़े हो जाओ, उसके बाद घूमो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मेरा मानना ये है कि जब तक 4 to 5 इनकम सोर्सेज स्टार्टिंग में अपने हाथ में बिल्ड ना कर लो, तो कहीं पे भी घूमने मत निकलो, क्योंकि खर्चा जो होता है वो बोल के नहीं आता। कहीं पे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है खर्चा। ऐसा जब कुछ भी मतलब कहीं पे नया जगह घूमने जाओगे तो वहाँ पर खर्चा होगा, बट वो सब जो खर्चा है वो आपके पॉकेट मनी में ही गिनती आएगा, ना कि आपके जो वर्क है, आपका जो प्रेशर है उसको बिल्ड करके जब आप अर्न किए हो उस पर आप अपना काम कर रहे। सो ये आपके कम्प्लीटली ये है। और जो मम्मी पापा का पैसा है उसको ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए अपना कैरियर बिल्ड करो पहले, उसके बाद घूमो फिरो, कुछ भी खरीदो, अपने लाइबिलिटीज कुछ भी, डेप्रिसिएटिंग एसेट कुछ भी खरीदो। क्योंकि भाई देखो, सबका मतलब अपना अपना कुछ ड्रीम होता है, और अपना ड्रीम साकार करना सबसे बेस्ट चीज़ हो। दैट टू योर ओन मनी, अपना खुद का पैसा से ये सब करो। किसी के पैसे में भरोसा मत करो, किसी पे भी भरोसा मत करो। अपने लाइफ को जैसा तुम जीना चाहते हो वैसा जियो। अपना माइंड कुछ भी एक लेवल पे सेट करो, और उसको करने के लिए कुछ भी करो, कुछ भी करो भाई। खाओ नहीं, पियो नहीं, सो नहीं, उस काम के ऊपर लगे रहो, और एक दिन जरूर सक्सेस आएगा। स्मार्ट एनफ एंड वर्किंग हार्ड टूवर्ड्स अचीविंग इट, देन यू कैन अचीव इट। ये कहने वाला बात नहीं है, आप खुद को पता होगा। और मैं कौन होता हूँ आपको बोलने वाला, या कोई भी कौन होता है आपको बोलने वाला कि आप ये करो, ये मत करो, वो करो, ये मत करो? आपके ऊपर है आप कैसे ग्रोथ कर सकते हो, आपको पता है। आप अपना जो ग्रोथ फैक्टर है उसको लेके आओ अपना वर्क में, और अपना ग्रो करके दिखाओ, ताकि वो लोग आपको इन फ्यूचर ना बोल पाए कि मैंने तेरे को ये बोला था और तूने ये नहीं किया, इसीलिए तेरा ग्रोथ नहीं हुआ। और पहला बात तो भाई, ये टॉक्सिसिटी से दूर जाओ। भले ही वो आपका दोस्त हो, भले ही वो आपका फैमिली मेम्बर हो, जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा आपके इनिशियल फेज में, आपको इन फ्यूचर आके आपका पैर पड़ेगा, वो मेरा 100% सियोरिटी है। सो इन फ्यूचर आप ये सब चीज़ को अगर देख के चलोगे तो भाई आगे नहीं बढ़ पाओगे। सो पहला तो ये टॉक्सिसिटी लेवल से निकलो, और कोई सा भी रिलेशनशिप में हो, कुछ भी हो, और आपको आगे बढ़ने का मतलब टाइम ही नहीं मिल रहा अपना स्टार्टअप पे वर्क करने का या अपना बिजनेस पे वर्क करने का, सो भाई वो रिलेशनशिप पे भी निकलो। रिलेशनशिप डजंट मैटर इन प्रेजेंट लाइफ, अभी जो मैटर करता है वो आप किस लेवल पे वर्क कर रहे हो और कितना सैलरी पा रहे हो, ये है। या क्या बिजनेस कर रहे हो, कितना आपका नेटवर्थ है, कितना आपका ग्रोथ हो रहा है, कितना आपके कैपिटल है, इस सबसे मेन आपका जो बैकग्राउंड है वो जाना जाएगा। सो या, आपका कोई रिलेशनशिप कहीं पे भी कुछ साथ नहीं देगा। इन फ्यूचर आपका पोटेंशियल, आपका कैपिटल कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे जाएगा, आपका बिजनेस में कितना मेहनत आप डाल रहे हो, कितना मेहनत आप कर रहे हो, कोई रिलेशनशिप साथ नहीं देगा। ओनली थिंग विल हेल्प इज योर विल पावर एंड योर वे ऑफ अर्निंग और अचीविंग दैट गोल। आप इसके ऊपर वर्क करो, क्योंकि भाई इन फ्यूचर कोई आपको हेल्प नहीं करेगा। आप अपनों से भी पैसा नहीं मांग सकोगे, अपने मम्मी पापा से भी पैसा नहीं मांग सकोगे। एक लेवल ऐसा आ जाएगा कि आपके मम्मी पापा भी आपको मतलब वे ऑफ आउटकास्ट कर देंगे कि ये बंदा कुछ कर नहीं रहा है, हम इसको पैसा क्यों दें। ये होता है, मेन यही होता है। एक टाइम आएगा, मैं बोलता हूँ ये टाइम नहीं आना चाहिए किसी का भी, क्योंकि मेरे जितने दोस्त हैं और मेरे जितने व्यूअर्स हैं, मैं चाहता हूँ लोग अपने लाइफ में कुछ कर लें और कुछ अचीव करें।
बहुत सारे मतलब मेरे दोस्त हैं जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, अचीव करना चाहते हैं और वर्क कर रहे हैं, बस पता नहीं है उनको अचीव क्या करना है। भाई देखो, इट्स ऑल इन योर विल पावर, और आप उसको वे ऑफ अचीव कैसे करते हैं, क्या वर्क लगाते हैं और उसको अचीव करते हैं, इसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। सो भाई, दुनिया का बात एक साइड रखो, आप अपना फोकस बनाए रखो और आगे चलते रहो। सो ये थोड़ा थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल थोड़ा हो गया बातें, क्योंकि कल मैंने बहुत कुछ सुना मेरे दोस्तों से कि ऐसा बोल रहे हैं ये वो। सो मैं इसके ऊपर आज वीडियो टॉपिक बनाया था उनको डेडिकेट करने के लिए, और आप भी कुछ अलग नहीं है, आप भी बहुत कुछ सीख सकते हैं ये सब वीडियोस देख के, क्योंकि इन फ्यूचर आपको ये सब हेल्प होने वाला है, क्योंकि इन फ्यूचर आपको कोई हेल्प नहीं करने वाला, द पर्सन विल हेल्प यू इज यू एंड यू ओनली। सो विद दैट सेड, अंकित परवर साइनिंग ऑफ, पीस।